हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएचयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 और नई एनसीईआरटी में प्रश्नमाला पैरा। ठीक है, उससे पहले इसके माध्य भी पढ़ा हमने और बहुलक भी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे माध्य के। माध्य को हम माध्यिका भी कह सकते हैं, इसको एम से व्यक्त करते हैं। तो इसमें एक सूत्र का विशेष ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार बहुलक में सूत्र बताया था एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू, सूत्र बताया था उसी प्रकार यहाँ भी ये सूत्र काम में लेंगे और उसके द्वारा हम बहुलक माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये वर्ग अंतराल देखो दिया है आपके सामने और संचयी बारंबारता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है और ये एफ का मान दिया गया है, यानी ये किसका मान है, एफ यानी बारंबारता। अब यहाँ पर है माध्य चाहे कैसा ज्ञात करना हो, यहाँ वर्ग अंतराल में हम पहले क्या निकालते हैं, सी एफ। सी एफ का नाम होता है संचयी बारंबारता, इकट्ठी की हुई बारंबारता, यानी मार्ग वार्ता को हम जोड़ते हुए जाएंगे। अब जोड़ते कैसे जाएंगे, देखो चार है तो चार को यहाँ चार अपनी जगह लिख दो, चार प्लस पांच बराबर नौ, नौ प्लस तेरह बराबर बाईस, बाईस प्लस बीस बराबर बयालीस, बयालीस प्लस चौदह बराबर छप्पन, छप्पन प्लस आठ बराबर चौसठ, और चौसठ चार कितने हो रहे हैं देखो अड़सठ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमें, सी एफ ज्ञात कर लिया। देखो चार को चार लिख दिया, चार प्लस पांच बराबर नौ, नौ प्लस तेरह बराबर बाईस, बाईस प्लस बीस बराबर बयालीस, बयालीस प्लस चौदह बराबर छप्पन, छप्पन प्लस आठ बराबर चौसठ, और चौसठ प्लस चार बराबर क्या हो गया अड़सठ। जो सी एफ का अंतिम स्टेप है वही क्या है, इस एफ का योग है, एफ का योग है। तो इसमें माध्यक में आप क्या करोगे, योग को एन के बराबर, एन बराबर मान आ चुका हमारे सामने अड़सठ आ चुका है। तो यहां आपको लाइन लिखनी है एन बट्टे दो, यानी अड़सठ बट्टे दो इसका मान आ रहा है चौतीस तो है ठीक अधिक, ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी है, देखते हैं चौतीस या ठीक अधिक। सीएफ में देखना आपको, ये देखो चार कम है, नौ भी कम है, बाईस भी कम है, चौतीस या ठीक अधिक सीएफ किसकी है, देखो बयालीस की है, संचयी बारंबारता बयालीस है। ठीक है, अतः यहां लिखेंगे हम माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग होगा यहां पर, माध्यक वर्ग बराबर बयालीस के सामने क्या है माध्यिक वर्ग, 125 145 होगा, माध्यिक वर्ग हो जाएगा 125 है 145 होगा। इसमें आपको क्या निकालनी है, सीएफ निकालनी है, और सीएफ का अंतिम स्टेप है वो क्या है, इस बारंबारता एफ का योग है, तो उसको क्या लिखेंगे, एन के बराबर रख देंगे। अब यहाँ एन का मान क्या है अड़सठ है, तो पहले आप क्या कर दो एन बटे दो, यानी यहां पर एन का मान आपके सामने कितना दिया गया है अड़सठ आ चुका है, एन बटे दो अड़सठ बटे दो यानी चौतीस से ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी है, देखो बयालीस ठीक अधिक, वैसे सारी अधिक है, देखो छप्पन भी अधिक है चौसठ सारी अधिक है, लेकिन ठीक अधिक की बात की गई है, चौसठ अड़सठ बटे दो यानी चौतीस, चौतीस से ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी, बयालीस की है, अतः हमारा माध्यिक वर्ग होगा 125 से 145। अब आपको इसको माध्यिक भी कह सकते हो, माध्यिका भी कह सकते हो, माध्यिक को लिखते हैं एम के बराबर, एम से लिखते हैं, सूत्र होता है इसका एल प्लस एन बट्टे दो, यहां कई जगह सी एफ भी आया हुआ है, कई जगह सी आया, दोनों बात सही है, बट्टे एफ इंटू एच। ठीक है, सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टे दो माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। अब इसमें देखना है एल क्या है, एन बट्टा दो क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, जो हमारे बहुलक वर्ग में पढ़ा था हमने एल पढ़ा था एच पढ़ा था वो सारे यही बात हुई, एल और एच वही होंगे। एल होगी यहां पर माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, हमारा माध्यिक वर्ग क्या है देखो 125 से 145 है, इसकी ये निम्न सीमा है, उस सीमा एल का मान 125 होगा। एच बराबर क्या है, वर्ग अंतराल, कितने का अंतराल है, देखो इस समय 20 20 का अंतराल है, और विशेष तौर से माध्यिक वर्ग में देखो 20 का अंतराल है, एच का मान यहां आ चुका है 20। ठीक है, उसके बाद में एन बटा दो का मान 34 है, सी एफ का मान क्या होता है
एफ का मान क्या ध्यान रखना, देखो सीएफ होती है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है सीएफ का मान। सीएफ क्या होता है माध्यक वर्ग की, ये देखो माध्यक वर्ग हमारा ये है ठीक है, अभी माध्यक वर्ग हमारा 125 है 145, इसकी जो संचयी बारंबारता 42 है इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता 22 है, यानी सीएफ का मान क्या होगा यहां पर 22 होगा। एफ क्या है, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, यानी एफ का मान यहां पर क्या होगा देखो 20 होगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार, एल होता है हमारा यहां पर देखो जो माध्यक वर्ग है वो कौन सा है, देखो ये 125 है 145 वाला है ठीक है, यानी ये हमारा माध्यक वर्ग है देख सकते हैं। तो इस माध्यक वर्ग में इसकी जो निम्न सीमा है वो किसका मान है, सबसे पहले एल का मान है, एन बटा दो का मान हमने ज्ञात कर लिया देखो ठीक है, यानी संचयी बारंबारता का जो अंतिम स्टेप है 68 है वो क्या है इस एफ का योग है वो 68 के बराबर होगा, इसको हम एन के बराबर लिखते हैं ठीक है, एन बटा दो का मान 34। और सी एफ क्या होता है माध्यक वर्ग की, जो माध्यक वर्ग यह है इसकी संचयी बारंबारता इसे ठीक पहले की संचयी बारंबारता सी एफ का मान है। यहाँ कई जगह सूत्र में आपको सी मिल सकता है, दोनों सही है, सी एफ भी सही है सी भी सही है। एफ क्या होता है हमारा जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता है 20, एफ का मान हो गया। और एच होता है अंतराल, यानी इन सब संख्या में 20-20 का अंतराल है, इसलिए इस एच का मान हो चुका है 20। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं, देखो यहां हो जाएगा माध्यक बराबर एल का मान आपके पास में 125 है, एन बटा दो का मान 34 है, सी एफ का मान 22 है, एफ का मान कितना है देखो यहां पर 20 है, इंटू एच का मान भी कितना देखो 20 है, एफ का मान 20 एच का मान 20, ये 20 है 20 कट गए, 125 प्लस घटाएंगे शेष बचेगा 12, 34 में से 22 इनको जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा 137। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा तो माध्यक वर्ग गया 125 से 145 आ रहा है, और यहां देख सकते हैं माध्यक भी क्या है इन दोनों के बीच में ही है ठीक है, इसलिए हमारा ये माध्यक कंप्लीट होता है। बिल्कुल सरल है, सूत्र याद रखना है एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, आराम से आप कर सकते हो। अब देखो ऐसा प्रश्न एक आगे बढ़ाया हुआ है, सवाल नंबर 2, 3 और 4 ये करने के तरीके अलग है, इनको बाद में करेंगे, पहले इस तरीके का प्रश्न एक और आया हुआ है आगे सवाल नंबर 5 ठीक है, पहले वो करेंगे ठीक है, उसके बाद में आगे वो शेष 3 बचे वो प्रश्न भी करेंगे। तो सवाल नंबर है पहला हमने कर लिया है, सवाल नंबर पढ़ रहे हैं 5। क्या लिखा है देखो 5 में, सारणी 400 नियोन लैंपों को जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, जीवन काल घंटों में दे रखा है, यहां दे रखा है जीवन काल और वो घंटों में दे रखा है, जीवन काल है घंटों में और यहां पर है लैंपों की संख्या, ये मान है यहां पर बारंबारता एफ हो गया है लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या यानी एफ का मान ही है, तो यहां दे रखा है 1500 से 2000, दो हजार से दे रखा है 2500 ठीक है, 2500 से 3000 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से है 5000 ठीक है। अगर यहाँ 1456 दे रखा है, 14 है यहाँ, 56 है और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर देखो अगर 86 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 74 दे रखा है,
यहाँ पर 62 दे रखा है और यहाँ पर 48 दे रखा है। तो आपको जानना चाहिए पहले इसमें क्या निकालते हैं। इसमें भी सवाल नंबर 5 है, माध्य की ज्ञात करना है। तो माध्य का नाम आ गया तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एक ही बात निकालनी है, वो है सीएफ यानी संचयी बारंबारता, एक टिकी हुई बारंबारता ज्ञात करनी है। ये पांचवें का उत्तर कर रहे हैं पहले हम, 2, 3, 4 बाद में करेंगे, इसे करने के बाद में करेंगे क्योंकि पहले प्रश्न के तरीके से ही आगे 5, 6, 7 होंगे। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। लैंपू की संख्या आपके सामने दी रखी है 14, 56 दे रखी है। ये सीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, 14 को 14 अपनी जगह रख दो, 14 में 56 जोड़ देंगे, क्या कितना हो जाएगा, देखो ये 70 हो जाएगा, 70 में 60 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। अब 130 में ये 86 जोड़ना है तो ये क्या आ जाएगा, देखो 6 और 8, 3, 11 ये हो गए 216। 216 में 77 जोड़ेंगे ना तो क्या आंसर आएगा, देखो 6 और 4, 10 हो गए और 2 और 7 हो गए 9, ये हो गए 290। इसमें क्या जोड़ना है, 62 जोड़ना है आपको, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, देखो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 और 6, 15 ये हो गए 352 और यहाँ ये हो गए 400। तो देख सकते हो आप सी एफ का अंतिम स्टेप 400 है, इसलिए एन बराबर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ आप एन बटे 2, ठीक है ये साफ कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। एन बटे 2 यानी 400 बटे 2 यानी यहाँ पर आ चुका है 200 और एन का मान है 400। 200 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी है, देखो 216 है, 216 है संचयी बारंबारता, अतः माध्य घोरे क्या होगा, ये माध्य घोर होगा, देखो कौन सा होगा, ये होगा 3,000 से 3,500, माध्य वर्ग होगा 3,000 से 3,500। सूत्र लिख देंगे एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी ए बटे एफ इंटू एच, सूत्र लिख दिए। अब इस सूत्र में क्या करना होगा, हमें मान रखना होगा और पहले बता देते हैं एल क्या है, सब बताएंगे। देखो यहां पर तो सबसे पहले है एल बराबर, एल क्या होता है, माध्य वर्ग की निम्न सीमा कितने है, देखो यहां पर ये उस सीमा और ये निम्न सीमा यानी कम वाली निम्न सीमा होती है, यहां पर है एल का मान है 3000, लिख लो 3000। एन बटे 2 का मान हमने ज्ञात कर लिया, देखो कितना है, देखो यहां पर 200 और यहां सी एफ या सी, सी एफ क्या होती है, माध्य वर्ग की, माध्य वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, 130 है, तो सी एफ का मान क्या आ चुका है, यहां पर 130 आ चुका है। एफ क्या होती है, एफ होता है माध्य वर्ग की बारंबारता, वो है यहां पर 86 है, ठीक है। और एच का मान, एच क्या है, अंतराल है, अंतराल यहां कितने का, देखो 500 का अंतराल है, तो यहां एच का मान आ जाएगा 500। एल होता है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, वो 3000। एन बटे 2 का मान देखो 400 बटे 200 याद कर लिया है। सी एफ होता है माध्य वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, 130 है। एफ होता है माध्य वर्ग की बारंबारता, वो 86 है। एच अंतराल है, कितने का अंतराल, देखो 500 है, एच का मान 500। सूत्र मान रख देंगे, देखो यहां पर हो जाएगा माध्य बराबर आ रहा है, देखो एल, एल का मान आपके पास में है 3000, एन बटा 2 का मान 200, 130, एफ का मान यहाँ क्या 86 इंटू क्या हो जाएगा 500, ठीक है यहाँ उत्तर आ जाएगा 3000 प्लस 70 बटे 86 इंटू 500, 3000 इन दोनों भाग 2 का जाएगा यानी यहाँ 2 35 बटे यहाँ पर आ जाएगा 43, 35 बटे 43 इंटू 500, 3000। अब क्या करेंगे, इस 35 को हम गुणा कर लेंगे 5 से, ये हो गए 25 और ये हो गए 17,500 बटे 43, ठीक है यहाँ क्या हो गया, देखो 35 को 5 से गुणा कर लेंगे 175 और आगे 20 बटे 43। अब क्या करना है आपको, इसमें 43 का भाग देना है, ठीक है तो कितनी बार जा रहा है, हम यहाँ जांच करें, देखो यहाँ लिख देंगे 17,500, इसमें 43 का भाग देंगे, कैसे भाग करेंगे, देखो यहाँ पर संख्या 2 ले रहे हैं, यहाँ 17 आ रही है, 17 में भाग जाएगा, संख्या लेंगे 3, 175 में भाग देंगे 43 का, ठीक है तो क्या करेंगे, संख्या छोड़ते जाएंगे, यहाँ से 5 से भूल जाओ, यहाँ से 3 से, 17 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 43 को 4 से गुणा कर लो, 43 इंटू 4 इसका आंसर क्या आएगा, देखो 12
और ये हो गए 17। यहाँ बाघ कितनी बार गया है, 4 बार गया है, ठीक है, और वो आ रहा है 172। आगे 3 लिख दो, 0 लिख दो, आगे बाघ जा नहीं रहा है, भाग गया टूट, और यहाँ 0 लिख दिए, 300 हो गए। अब 300 में बाघ कितनी बार जाएगा, वही बात है, संख्या छोड़ते जाए, यहाँ से क्या छोड़ दो आप 0, यहाँ से 3, तो 30 में 4 का बाघ 7 बार जाएगा, 43 को 7 से गुणा कर दो, यहाँ 21 का एक आंसर लगी, 2 हो गई, 28 और 2 कितने हो गए 30, ज़्यादा हो रहे हैं भैया 21, और इसलिए क्या करेंगे इसको 6 से गुणा करेंगे, यानी 43 × 6 ये हो जाएगा 18 और 25, यानी 258 बाघ कितनी बार गया, देखो 6 बार, और यहाँ क्या लिख दो आप 258। शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 42, ठीक है। आगे यहाँ क्या लिख दो, 0 लिख दो, यहाँ पॉइंट लगाओगे और यहाँ लिखना है 0। बाघ कितनी बार जा रहा है, देखो वैसे तो बाघ जा रहा है 42 में 10 बार, लेकिन आप 9 से गुणा कर लो, 43 × 9 ये क्या आएगा, देखो 27 और 36 दो कितने हो गए 38, सही है, यानी इसका उत्तर आएगा 406.9। 3000 + 406, इसका आंसर आएगा 3406.9, यही क्या इसका आंसर है। अब आप देख सकते हो हमारा जो माध्य वर्ग क्या था, 3000 से 3500 होता, और इनके बीच में क्या आ रहा है, देखो ये माध्य के आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आगे कर रहे हैं, इसके बाद में अब आगे सवाल नंबर 2 आया हुआ है, पहले वो 2 करेंगे, ठीक है, क्यों, उस 2 में एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, और साथ को मध्य सब कुछ दिया गया है, ठीक है, संचयी बारंबार का भी हम ज्ञात करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में क्या लिखा गया है, 28.5 क्या दे रखा है आपको, इसके अंदर मध्य दे रखा है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। और ये पहले ये कर रहे हैं सवाल नंबर 2, अगर केवल मध्य पूछ लेता है तो सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, अब इसमें कुछ 2-3 प्रश्न अलग तरीके से दे रखे हैं, पहले वो कर रहे हैं, देखो वो भी करना जरूरी है। प्रश्न में क्या लिख रखा है, देखो शुरू कर रहे हैं, बंडन का माध्य 28.5 है, और यहां दे रखा है वर्ग अंतराल, यह है हमारा वर्ग अंतराल, और यहां दे रखी है बारंबारता, यहां हम सीएफ ज्ञात करेंगे पहले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, यहां दे रखा है 5, यहां दे रखा है एक्स, यहां दे रखा है 20, यहां 15, यहां वाई, और यहां 5, ठीक है। यहां योग क्या दे रखा है, एन का मान यहां सामने आया हुआ है 60, एन का मान क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है, इसको करेंगे आगे हम। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले सीएफ ज्ञात करो, 5 को अपनी जगह 5, 5 में एक्स जोड़ेंगे 5 + x, इसमें 20 जोड़ेंगे 25 + x, 15 जोड़ेंगे 40 + x, वाई जोड़ेंगे 40 + x + y, 5 जोड़ देंगे 45 + x + y। अब देख सकते हो सीएफ का जो अंतिम स्टेप है वो क्या होता है, एफ का योग होता है, तो अंतिम स्टेप यहां पर यह है, और किताब में ये दिया, इसलिए ये 60 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, हमेशा देखते हो सीएफ का अंतिम स्टेप एफ का योग होता है, और ये अंतिम स्टेप ये है, एफ का योग ये होगा, किताब में ये दिया है, यानी ये 60 इसके बराबर लिख दो आप, यानी 45 + x + y वो 60 के बराबर हो जाएगा, तो x + y बराबर आ जाएगा 60 - 45, x + y का मान आ जाएगा आपके सामने 15, ठीक है, ये समीकरण इसको लिख दो आप 1। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो n बटे 2, n का मान 60 है, यानी यहां हो जाएगा, यहां पर आपको
मध्य किताब में दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिया गया मध्य, दिया गया मध्य 28.5 है जो वर्ग अंतराल, कौन से वर्ग अंतराल में, देखो 28.5 28.5 देख सकते हो 20 और 30 के इसमें है ना, तो यहां पर ये क्या होगा हमारा माध्यिक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल 20 है 30 में है, अतः माध्यिक वर्ग बराबर 20 है 30 होगा, ठीक है। अब यहां पर दिया गया माध्यिक 28.5 है, तो माध्यिक 28.5 इसके बीच में आ रहा है देखो ये, यानी माध्यिक वर्ग क्या हो जाएगा 20 है 30 होगा। सूत्र लिख देते हैं माध्यिक का, एल प्लस एन बट्टा दो माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। एल क्या होता है माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर 20, एच अंतराल 10 का अंतराल है, बीच में 10 का अंतराल है 20 और 30 के बीच में, एन बट्टा दो का मान ज्ञात कर लिया है, एन बट्टा दो का मान यहां पर क्या देखो, एन बट्टा दो का मान 30 आ जाएगा देखो, तो यहां पर लिख दो 30। एफ क्या है और सी एफ क्या है, एफ क्या होता है माध्यिक वर्ग की बारंबारता, वो यहां पर 20 है, एच क्या अंतराल है, कितने का अंतराल देखो, देख सकते हो आप एच अंतराल लिख दिया, एफ सी एफ क्या है, सी एफ है माध्यिक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, वो क्या है 5 प्लस एक्स है, तो सी का मान हो रहा है 5 प्लस एक्स। उत्तर मान ये माध्यिक 28.5 लिख दिया बराबर एल का मान आपके पास में 20 है, एन बटा दो का मान 30 है, सी एफ का मान 5 प्लस एक्स है, बट्टे एफ का मान 20 है इंटू, देख सकते हो यहाँ एच का मान कितना है 10 है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद में क्या करेंगे देखो, यह हो जाएगा 28.5 और ये 20 का पक्षांतर कर दो, यहाँ माइनस 20 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर आप लिख दो 30, यहाँ इसका चिन्ह दोनों में चेंज हो जाएंगे, माइनस 5 माइनस एक्स है, और यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा देखो, यहाँ बट्टा में लिख दो 2, यहाँ क्या बचेगा 8.5, ये 2 गुणा में आ जाएगा गुणा 2 बराबर, यहाँ बचेगा 25 माइनस एक्स, ये क्या होगा यहाँ पर 16 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स का करो पक्षांतरण, एक्स बराबर में 25 माइनस 16, एक्स का मान आ चुका है 9, एक्स का मान 9 है तो आप समीकरण एक में रख दो, यानी एक्स का मान एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, तो यहां देख सकते हो यहां हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 15, यानी वाई का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, देखो ये समीकरण एक यहां रखेंगे मान, एक्स का मान और रखेंगे तो वाई का मान क्या आ रहा है देखो, इस प्रकार हम प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला कर रहे हैं देखो, यहां पर देखो क्या हो रहा है 17 हो रहा है, देखो 17 हो रहा है यहां, तो यहां हो जाएगा 8 आ जाएगा, एक्स का मान 8 होगा, एक्स का मान 8 होगा और वाई का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार हम प्रश्न को कर सकते हैं, 8.5 का दुगुना क्या होगा 16 नहीं 17 होगा, 17 25 माइनस एक्स, एक्स का मान 8 होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा 7, इस प्रकार हम प्रश्न को कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में ये वर्ण अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, पहले आप सीएफ ज्ञात करोगे और सीएफ ज्ञात करते हुए अंतिम स्टेप होगा वो एन के बराबर रख दो, यानी यहां पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होगा, तो यह समीकरण तैयार होगा एक्स प्लस वाई बराबर 15। अब लिखो आप, दिया गया माध्यिक 28.5 है जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, अतः माध्यिक वर्ग क्या होगा 20 से 30 होगा, तो माध्यिक बराबर हो जाएगा, सूत्र लगाओ एल प्लस एन बटे दो माइनस सी ए बटे एफ इंटू एच, एल का मान 20, एफ अंतराल 10 का है, एन बटा दो का मान देखो 30 याद कर लिया, सी एफ क्या होती है माध्यिक वर्ग की बारंबारता, और सी एफ होती है माध्यिक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, वो है 5 प्लस एक्स। आगे हल करेंगे, यहां पर ध्यान करना दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, 20 का क्या कर दो पक्षांतर कर दो, माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ 8.5 बचेगा, 2 से गुणा कर 17 आ जाएगा, यहाँ पर
25 माइनस एक्स होगा, एक्स का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा, वापिस समीकरण एक में रखेंगे एक्स का मान, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार सवाल नंबर हमारा 5 का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आगे हम कर रहे हैं, आयु वर्षों में दे रखी है, पुलिस धारकों की संख्या दे रखी है, ये जो सवाल नंबर 3 है ठीक है, वो कर रहे हैं। देखो इसमें भी आपको क्या निकालना है, माइजिक ही निकालना है, लेकिन उसमें थोड़ा 25 है कम, 25 है कम, ऐसी कुछ संख्या दी गई है ठीक है, तो उसको हम हल करेंगे। सवाल नंबर है, इसका कर रहे हैं सवाल नंबर हमें 3। तो यहां पर क्या दिया गया है, आयु वर्षों में दे रखी है, यहां दे रखी है आयु, वो आयु वर्षों में है, आयु आयु ये वर्षों में है। और उसके बाद में और इसमें क्या दे रखा है, यहां पर पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, देखो 20 से कम, 20 है कम, उसके बाद में है 25 से कम, 25 है कम, 30 है कम, उसके बाद में 35 है कम, 40 है कम, 45 है कम, 50 से कम ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, 50 से कम, और उसके बाद में है 55 से कम, और लास्ट में 60 से कम, यहां पर दे रखा है 60 से कम, और पुलिस धारकों की संख्या एक बढ़ते क्रम में दी गई, यानी ये सीएफ का मान दिया गया 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78, बाद में 92, 98, और अंत में 100 ठीक है। तो देख सकते हो ये जब बढ़ते क्रम में दी गई, ये सीएफ का अंतिम स्टेप है, यानी ये एफ का योग होगा। तो पहले आप क्या ज्ञात करो, यहां पर वर्ग अंतराल ज्ञात करोगे, देखो यहां वर्ग अंतराल सही नहीं दिया गया, वो भी ज्ञात करोगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता एफ भी ज्ञात करोगे। यूं ये किसका मान दिया गया है, ये मान आपके सामने जो आया है वो बढ़ते क्रम में, इसलिए सीएफ का मान है ठीक है। अब प्रश्न में दे रखा है देखो 18 वर्ष है, 18 वर्ष या उससे अधिक, यानी 18 से लेकर के 60 तक है, तो इसको आप 18 से लेकर के 20 लिख दो ठीक है। अब आगे सारे ऐसे हो जाएंगे, देखो 20 है, 25, 25 है 30, 30 है 35, 35 है 40, 40 है 45, 50, 50 है 55, और यहाँ 55 से 60। अब देख सकते हो ये सारे कैसे है, देखो इसको सीमा कहाँ मिली गई है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, और इस प्रकार संख्या लिखी गई है। तो ये वर्णता लिख दिया, अब पहले क्या लिखोगे, एफ, एफ कैसे लिखेंगे, देखो 2 का 2 अपनी जगह लिख दो, 6 - 2 बराबर क्या होगा 4, 24 - 6 = 18, 35 - 24 = 21, 78 - 45 = क्या आएगा, देखो 3 और 33 आ जाएगा, 89 - 78 इसका आंसर क्या होगा 11 आएगा, और 92 - 89 = 3, 98 - 92 = 6 ठीक
ठीक है, और अंत में आ जाएगा 100 - 98 = 2। ये क्या निकाल दिया हमने, एफ का मान ज्ञात कर लिया देखो। ठीक है, जब इसको आप इस एफ के द्वारा सीधे बढ़ाओगे ना, तो देखो 2 का 2 होगा, ठीक है, और बाद में 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 11 99, 99 और 3 92, 98 98 और 6 98, 98 और 2 100 हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान है कि ये देखो सीएफ है, इस सीएम का अंतिम स्टेप 100 है, इसलिए एफ का यू क्या होगा, 100 होगा। अब करने का तरीका सेम को सेम वही है, यहां तक आपको ऐसा कुछ चेंज कर देना है। ये दो किताबें दी गई है, पहले आप वर्ग अंतराल लिखो, किताब में दिया 18 वर्ष से अधिक यानी 18 से 20 कर दो पहले, तो क्योंकि ये 20 से कम दिया गया है। अब उसके बाद में 5 5 का अंतर लगाते हुए 60 तक लिख दो, और ये सीएफ दी गई है, इस एफ का मान ज्ञात करेंगे, 2 का 2 लिख दो। अब 6 में से 2 घटाओ, 24 में से 6 घटाओ, और यहां पर 24 घटाएंगे, और बाद में आप घटाते घटाते आगे ये एफ प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लेकिन करने का तरीका वही है, एन बटे दो यानी 100/2 = 50 है, ठीक अधिक संचयी बारंबारता 50 है, ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी देख सकते हो, 78 की है, तो हमारा जो माध्यिक वर्ग होगा क्या होगा, 35 है 40 होगा, 78 की है। अतः माध्यिक वर्ग क्या होगा, 35 है 40 होगा। एन बट्टा 2 - CF/F(H) एल क्या है देखो, निम्न सीमा 35 है 35, एन बटा दो का मान यहाँ क्या है देखो, एन बटा दो का मान आपके पास में है 50, ठीक है, और सी एफ क्या होती है, माध्यिक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यहाँ पर सीएफ क्या है, माध्यिक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता 45, और एफ क्या होता है देखो, एफ है माध्यिक वर्ग की बारंबारता, कितने देखो यहाँ पर 33 हो जाएगा, और एच यहाँ पर क्या है देखो, अंतराल है, कितने का अंतराल देख सकते हो, यहाँ पर अंतराल है वो आपके सामने आया हुआ है, 5 का अंतराल है, तो यहाँ 5 लिख दो। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, माध्यिक बराबर लिखेंगे एल का मान 35 + N/2 = 50 - CF = 45/33 × 5, यहाँ आ जाएगा 35 + 5 × 5 = 25/33, यहाँ आ जाएगा 35 प्लस, और 25 में किसका भाग देंगे, 33 का भाग देंगे, देखो भाग जाएगा नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा 250, अब 250 में किसका भाग देना है आपको, 33 का भाग देना है, पहले भाग जाएगा 8 बार जाएगा, यहाँ होगा 24, ठीक है, और बाद में 24 2 कितने हो गए, 26 हो जाएंगे, ज्यादा हो रहे हैं, भाग जाएगा 7 बार जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा 35.7 आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, 35.7 आएगा, आंसर आएगा 35.7। इस प्रकार हम प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना प्रश्न में दिया गया, इतना थोड़ा बहुत चेंज करना है, और आगे हम आराम से कर सकते हैं। अब सवाल नंबर जो 4 नंबर दिया, उसमें आपको इतना ही ध्यान करना है कि उसमें देखो 118 से 120 दे रखा है, सवाल नंबर है 4 के अंदर दिया गया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर मापी जाती है, प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी रूप में निरूपित कीजिए, निरूपित किया गया है उनकी माध्यिक लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पत्तियों की संख्या एफ बारंबारता का मान है, और लंबाई एमएम में दे रखी है ना, मिलीमीटर में दे रखी है, यानी उसको हल करेंगे, देखो दे रखा है 118 से 120 दे रखा है, और 127 से 135 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद में 136 से 144, 145 से 153 और 154 से 162 दे रखा है,
और 163 से दे रखा है 171, और 172 से दे रखा है 180, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें आपको ध्यान ये करना है कि ये उच्च सीमा और ये निम्न दोनों बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार ये निम्न है, उच्च है ये, और ये निम्न दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ क्या करेंगे देखो, इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इनमें एक एक अंतर है। इसमें एक इसमें जोड़ दो, इसमें घटा दो, तो बराबर हो जाएगी। देखो यानी यहाँ घटाएंगे तो 117.5 और 126.5। अब यहाँ 126.5, 135.5, इसमें घटाएंगे 135.5 और 147.5, और उसके बाद में देखो 144.5 और 153.5, 153.5, 162.5 और 162.5, 171.5 और 171.5 और 180.5। इस प्रकार आप देखो पहले वो क्या करना है, इसमें से आपको 0.5 जोड़ना है, इसमें से घटाना है, 0.5 जोड़ना है और इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है, घटाना। इस प्रकार आगे करते करते यानी इसमें तो घटा दिया है, इसमें जोड़ दिया है, इसमें घटा दिया है, जोड़ दिया है, घटा दिया है, जोड़ दिया है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर हो चुकी है, यानी पहले की उच्च सीमा दूसरे के निम्न बराबर हो चुकी है। अब आप इस प्रकार लिखते हुए आगे से आप आराम से मर्जी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मर्जी ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल बदलना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे देखो, हम इसमें से 0.5 घटाए जाएंगे और इसमें 0.5 जोड़ते। आगे करने का तरीका सेम के सेम ऐसा ही है। पत्तियों की संख्या एफ का मान है, पहले सी एफ का मान ज्ञात करेंगे, अंतराल ये काम में लेना है आपको, और उसके बाद में आगे हल कर लेंगे। इस प्रकार हमारी 14.3 कंप्लीट होती है, और नई एनसीईआरटी प्रश्नमाला 13.3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।